नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। ये वीडियो बड़े ही भारी मन से बनाना पड़ रहा है। अक्सर पैन इंडिया फिल्म के नाम पर बड़े बड़े स्टार के साथ धोखा ही होता नजर आया है। एक एक्टर हैं सूर्या। रिसेंटली इनकी जय भीम और सूर्या राय पोट्टू जैसी बेहतरीन क्लास फिल्में थिएटर्स में नहीं बल्कि OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कराई गई। ये मास्टरपीस फिल्में थी जिन्हें ऑस्कर तक पहुंचाया गया। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक लोगों ने इस फिल्म की खूब तारीफ करी। ये फिल्में लोगों को खूब पसंद आई और सूर्या की फैन फॉलोइंग में भी भारी इजाफा हुआ। मुझे भी ये फिल्में बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं सूर्या का बहुत पहले से ही फैन था। गजनी, फोर्स और सिंघम जैसी सभी फिल्में इसी एक्टर की फिल्मों की रीमेक थीं। चेन्नई वर्सेस चाइना, 24 और विध्वंसक जैसी कई फिल्मों ने मुझे हमेशा से इनका फैन बनाए रखा। जय भीम और सूर्या राय पोट्टू से काफी सारे लोग इनके फैन बने और पैन इंडिया लेवल पर इनकी पॉपुलरिटी में भारी इजाफा हुआ। इसी को देखते हुए सूर्या की फिल्म ईटी यानी कि इथरकुम थुन्नी धवन को पैन इंडिया लेवल पर तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नडा और हिंदी जैसी भाषाओं में रिलीज करने का प्लानिंग रखी गई। सूर्या का हर फैन खुश था कि उनके स्टार की पहली पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है। डेफिनेटली फिल्म की सफलता सूर्या की गिनती भी बड़े पैन इंडिया सुपर स्टार की लिस्ट में ला सकती थी, मगर इस फिल्म को जिस तरह से रिलीज किया जा रहा है वो निंदनीय है। हर मायने में इस फिल्म को गलत दिन पर रिलीज किया गया है और राधेश्याम के आगे इस फिल्म को स्क्रीन तक नहीं मिली है। जी हाँ, इस हफ्ते दो पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो रही हैं। जहाँ राधेश्याम का बस अलग ही लेवल पर है, वहीं ईटी को लेकर कोई उत्सुकता ही नजर नहीं आ रही। मेरे शहर कानपुर में सिर्फ एक घटिया से थिएटर्स में फिल्म के कुछ शोज दिख रहे हैं। वाली मई तो दूर, खिलाड़ी फिल्म के जितने भी इस फिल्म को शोज नहीं मिल पाए हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ प्रभास अपनी फिल्म राधे श्याम का जबरदस्त तरीके से प्रमोशन करने में लगे हैं। वहीं ईटी फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी भी तरह की तैयारी नहीं की गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि सूर्या जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म के हिंदी ट्रेलर को मात्र 8 लाख व्यूज मिले हैं। वहीं टीजर की बात करें तो यही कोई 10 लाख के आसपास इस टीजर को व्यूज मिले हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि मेकर्स की इस फिल्म को लेकर किस तरह की तैयारी रही होगी। दोस्तों, ये तो रही नॉर्थ की बात। अब बात करते हैं सूर्या के अपने स्टेट तमिलनाडु की। एक समय था जब तमिल बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय, थला अजीत कुमार, चियान विक्रम और सूर्या का सिक्का चलता था। जहां विजय और अजीत को मासेस का, वहीं सूर्या और विक्रम को क्लासेस यानी कंटेंट ड्रिवन फिल्मों का हीरो माना जाता था। जहां विजय और अजीत तो तमिल बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, लेकिन विक्रम और सूर्या बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर नहीं डिलीवर कर पा रहे, जो पर्सनली मुझे काफी बुरा लगता है। ईटी को लेकर तमिल बॉक्स ऑफिस एकदम ठंडा है। ऐसा लगता है कि जय भीम और सूर्या राय पोट्टू की सफलता भी इस फिल्म के लिए कोई उत्सुकता नहीं बढ़ा पाई है। लोगों ने जैसे इन्हें OTT बेस्ड हीरो मान लिया हो कि फिल्म OTT पर रिलीज होगी तो देख लेंगे। आज मुझे और सभी सूर्या फैंस को यही लग रहा होगा कि इतने बड़े स्टार को अपनी फिल्म को OTT पर रिलीज ही नहीं करना चाहिए था। जय भीम और सूर्या राय पोट्टू में पूरा भूता था कि वर्ड ऑफ माउथ के चलते वे ऑडियंस को थिएटर्स तक घसीट कर ला सकती थी। इससे सूर्या का अच्छा कमबैक होता, मगर इस OTT की सफलता को जैसे बॉक्स ऑफिस सफलता में जोड़ा ही नहीं जा रहा। सूर्या काफी लंबे समय से अपने बुरे फेस से गुजर रहे हैं और उनकी कई फिल्में लाइन से नहीं चली हैं। ये डाउनफॉल सिंघम 3 के बाद से देखा गया। 2018 की थाना सरिंदा कुट्टम, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की रिमेक थी, ऑडियंस ने इस फिल्म को नकार दिया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2019 की NGK, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। 2019 की कापन, जिसमें मोहनलाल जैसे बड़े सुपरस्टार थे, 75 करोड़ के बजट में बनी, इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई करी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर पाने में नाकामयाब रही। धीरे धीरे सूर्या का मार्केट ठंडा होता चला गया। बताया जाता है जब सूर्या ने अपनी फिल्म सूर्या राय पोट्टू की OTT रिलीज फाइनल करी तो थिएटर ओनर खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि सूर्या जैसा बड़ा स्टार अपनी फिल्म को OTT पर रिलीज करे। वे सूर्या से नाराज थे। उनका कहना था कि इस थिएटर के मंदी के दौर में उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और वे अपनी फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज करें। मगर सूर्या के प्रोडक्शन में बनी कई फिल्में सीधा OTT पर रिलीज हुई। इसमें उनकी वाइफ की फिल्म पुमंगल वधल और उड़न पिरप्पे, वहीं सूर्या की सूर्या राय पोट्रू और जय भीम जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। नो डाउट फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन थिएटर्स वाले सूर्या से काफी ज्यादा नाराज हुए। जय भीम को लेकर कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई। बस इसी सब को लेकर फिल्म को टारगेट भी किया जा रहा है। शायद अगर ये फिल्में थिएटर्स पर कुछ समय के बाद रिलीज होती तो सूर्या को बॉक्स ऑफिस पर सफलता जरूर मिलती, उनका मार्केट तैयार होता और इस फिल्म को भी तगड़ी ओपनिंग लगती। आज जब इथरकुम थुन्नी धवन थिएटर्स में रिलीज हुई है तो फिल्म को काफी ठंडा रिस्पांस मिला है। कल के दिन राधेश्याम भी रिलीज होनी है, जो इस फिल्म के बिजनेस को जरूर इफेक्ट करेगी। अब सूर्या के फैंस और इस फिल्म के स्ट्रांग वर्ड ऑफ माउथ ही हैं जो इस फिल्म को जीवन दान दे सकते हैं, खासकर पैन इंडिया लेवल पर। अब ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ पर ही डिपेंड करती है। फिलहाल मैं चला इस फिल्म को थिएटर्स में देखने के लिए।